हेलो ऑल, आज मैं आपके लिए जो है एक न्यू प्रोजेक्ट का वीडियो लेकर आई हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है वो जय मल्हार अपार्टमेंट है, ये पनवेल में है। एग्जैक्ट इसका जो लोकेशन है वो शेडोंग है और ये G+4 के बिल्डिंग है यहाँ पर। और आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हो कि ऑलरेडी लोगों को पजेशन दे दिए गए हैं, जो भी कंप्लीटेड फ्लैट है उनके, और बाकी जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इसलिए आपको ये थोड़ा इस तरीके से प्रॉपर्टी दिखेगा, क्योंकि अभी भी काफ़ी काम यहाँ पर चल रहा है और काफ़ी सारे अभी फ्लैट है अवेलेबल। अगर ये आपके बजट में रहेगा तो आप भी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसकी जो भी प्राइस डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से चेक कर लो। क्योंकि यहाँ पर जो है 1 आर के भी अवेलेबल है, 1 BHK भी अवेलेबल है। 1 आर के और 1 BHK में काफ़ी सारे ऑप्शन भी अवेलेबल है प्राइस वाइज एंड कारपेट वाइज। तो मैं सारी डिटेल्स आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ पर चेक कर लो। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या कोई और भी डिटेल्स चाहिए होगी तो मैं आपको साथ ही मेरा नंबर भी दे रही हूँ वहाँ पर, आप मुझे उस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही आप साइट विजिट भी कर सकते हो। तो एक बार आप खुद पर्सनली जब ये प्रोजेक्ट में आके यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से आइडिया मिलेगा। वैसे ही जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, मार्केट वगैरह भी जो है नज़दीक है। ये पनवेल लोकेशन से जो है वो कुछ 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में है और जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है वो कुछ 9 किलोमीटर के डिस्टेंस में है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बच्चों के लिए एक अच्छा सा जो है वो प्ले एरिया भी दिया गया है और काफ़ी अच्छा है, बड़ा है प्ले एरिया जहाँ पर बच्चे आकर जो है वो खेल सकते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट है, इससे जो है 1 किलोमीटर के जस्ट डिस्टेंस पे आपको रिलायंस फ्रेश मार्ट है, डी मार्ट है और एक्सप्रेस हाईवे विद इन 1 किलोमीटर में है। और जो ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे टच प्रोजेक्ट है, ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी है वो भी काफ़ी क्लोज है ये प्रोजेक्ट से। तो काफ़ी अच्छी आपको ये प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी मिल जाएगी ताकि आपको ट्रैवलिंग में कोई इश्यू ना हो। सो अब हम जा रहे हैं सैम्पल फ्लैट देखने के लिए। अभी हमने जो है यहाँ पर वो स्टेयर्स यूज़ किया है और लिफ्ट भी है ये प्रोजेक्ट में, और जो है आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हो। बट अभी हम लोग जो है वो स्टेयर्स से जा रहे हैं और मैंने स्टेयर्स को कवर किया है ताकि आपको आप देख सकें कि किस तरीके के स्टेयर्स यहाँ पर दिए गए हैं जो आपको अप डाउन के लिए सही हो। स्पेस है काफ़ी, आप इजीली जो है सामान को भी ले जा सकते हैं, लेकर आ सकते हैं। तो काफ़ी स्पेस है यहाँ पर, कंजेक्टेड नहीं है। और ये देखिए, ये मैंने जो है ये एंट्रेंस है फ्लैट का, जो सैम्पल फ्लैट मैंने कवर किया है। थोड़ा उसमें फिनिशिंग नहीं है बिकॉज अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है यहाँ पर, इसलिए ये इस तरीके से दिख रहा है। तो बट आपको थोड़ा सा तो आइडिया आएगा कि किस तरीके का फ्लैट आपको मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट में। काफ़ी ठीक है फ्लैट, आप देख सकते हो। मैंने जो है पूरा थोड़ा सही से कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर। मुझे इसका बालकनी बहुत सही लगा, आप बालकनी देखिए काफ़ी अच्छा है। ये मैंने फिर वापस से डोर को कवर किया है यहाँ पर अंदर साइड से फ्लैट के। ये हॉल होगी और फिर ये बालकनी है आपका। सी, दिस इज़ द बालकनी। इतना बड़ा बालकनी है कि आप इसको बाद में चाहो तो वापस से आपके लिए 1 बेडरूम में इसको जो है कन्वर्ट भी कर सकते हो, इतना बड़ा बालकनी है यहाँ। आप इसको बाद में जो है आपके तरीके से कैसे भी उसको मॉडिफाई करके आपके अकॉर्डिंग उसको वापस से जो है वो बना के ले सकते हो। तो मैंने जो है यहाँ पर किचन और बाथरूम को कवर किया है। ये आपका बाथरूम है इस तरीके से। जैसे कि मैंने बोला कि अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है इसलिए इस तरीके से पूरा अभी पूरा गंदा है यहाँ पर, बट जब आपको फ्लैट मिलेगा तो काफ़ी अच्छा फिनिशिंग में मिलेगा। ये बाथरूम है और इस तरीके से हाँ ये फ्लैट में बाथरूम आपको आएगा। मैंने इसको
काफ़ी तरीके से कवर करने की कोशिश की। सो ये आपका बेडरूम है, बेडरूम में भी जो है आपको बालकनी दिया गया है। यहाँ पर बालकनी जो भी दिया गया है ना, काफ़ी अच्छा, मतलब काफ़ी अच्छे स्पेस में है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। और ये मास्टर बेडरूम है यहाँ पर आपको, ये मतलब जो बेडरूम है उसमें भी आपको बाथरूम अटैच है यहाँ पर। तो ये जो बेडरूम का वॉशरूम है ये, और ये मैंने बेडरूम को कवर किया है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर, और ये जो बेडरूम में जो बालकनी है, तो बालकनी में काफ़ी अच्छा स्पेस है, आप उसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो आपके लिए। और ये बाहर का व्यू है, सो कंस्ट्रक्शन का काम है जैसे कि मैंने बताया आपको, और ये बाहर का व्यू आएगा आपके बालकनी से। आपको काफ़ी अच्छा ग्रीनरी है देखने को मिला है। सो जब एक बार ये प्रोजेक्ट बन जाएगा ना, तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा इसका। सी ये मैंने बालकनी दिखा रही हूँ मैं, काफ़ी अच्छा बड़ा बालकनी है। और ये पूरा मैंने अभी बेडरूम को कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर, और हर एंगल से। और ये आपका किचन है, सो किचन में भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। देखिए किचन में भी कितना बड़ा गया आपको जो है वो बालकनी अटैच किया है। सो आप काफ़ी सारा यहाँ पर सामान रख सकते हो आपका, और किचन भी काफ़ी अच्छा बड़ा है, काफ़ी सही है किचन, काफ़ी और सामान आ सकता है। फिर ये मैंने जो है वापस से हॉल को कवर करने की कोशिश की है। सो दिस इज़ द हॉल, ये भी मैंने थोड़ा सा बाहर जो व्यू है बाहर का फ्लैट के, उसको थोड़ा कवर करने की कोशिश की। सो सी काफ़ी स्पेस है। फिर ये मैंने वापस से जो है बाहर आके पूरे जो बिल्डिंग्स है उनको मैंने कवर किया है यहाँ पर। सो ये बाहर का लुक है, तो इस तरीके से ये बिल्डिंग्स के लुक से। और अभी भी सब ये लगे हुए बिकॉज़ अभी ये काम चल रहा है प्रोजेक्ट में। और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो प्रोजेक्ट है टोटल 5 एकड़ में है, इसमें टोटल 5 बिल्डिंग्स है, और जो है टोटल 300 इसमें फ्लैट्स हैं। सो ये वापस से मैंने यहाँ पर माल का जो है कवर किया है। एक्चुअली जो है काफ़ी सारे वहाँ पर जी, ये काफ़ी अच्छा, मतलब आसपास भी काफ़ी अच्छा नेचर है और सराउंडिंग काफ़ी सही है। सो मैंने इसका जो भी प्राइस है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और साथ ही नंबर दिया है, अगर आपको साइट विजिट करना है या और प्रोजेक्ट की डिटेल्स चाहिए होगी तो आप मुझे उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू।